दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे IPL 2021 का आज 20वां मुकाबला कौन कौन सी दो टीमों के बीच खेला जाएगा और दोस्तों कितने समय होगा ये मैच और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी है, क्या बदलाव हुआ है दोनों टीमों में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे आज 100% कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कौन सी टीम जीतने की संभावना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 में यानी आज सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच आमना सामना होगा। दोस्तों दोनों टीमें मौजूदा सीजन में पांचवी बार मैदान पर उतरेंगी। दिल्ली चार बार मैच यानी चार मैचों में से तीन जीती है और एक गवाया है, जबकि हैदराबाद को इतने ही मुकाबलों में सिर्फ एक जीत नसीब हुई है। दोस्तों सनराइज हैदराबाद ने लगातार तीन शिकस्त के बाद पंजाब किंग के खिलाफ जीत विजय हासिल की। वहीं दिल्ली की टीम ने अपने पिछले दो मुकाबले अपने नाम किए हैं। हैदराबाद अंक तालिका में सातवें और दिल्ली कैपिटल तीसरे स्थान पर काबिज बनी हुई है। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों सनराइज हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11, डेविड वार्नर कप्तान, जॉनी बास्टो विकेट कीपर, केन विलियमसन, विराट सिंह, विजय शर्मा, अभिषेक शर्मा, केदार जाधव, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। दोस्तों दिल्ली कैपिटल की संभावित प्लेइंग 11, ऋषभ पंत कप्तान व विकेट कीपर, पृथ्वी शाह, शिखर धवन, स्टीम स्मिथ, ललित यादव, सिमरन हार्टमेयर, मार्क स्टोनिस, रविंद्र चंद अश्विन, कगासो रबाड़ा, अमित मिश्रा और आवेश खान। दोस्तों ये दोनों टीमें आज चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेलेंगी और दोस्तों आज फिर एक बार दिल्ली कैपिटल जीतेगी 100%। और दोस्तों आपको कौन सी टीम जीतने की संभावना लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।